स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक कैसे मेजर की जाती है? द इंटेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय रेक्टर स्केल। यहाँ पे इंटेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ जो मेजर की जाती है रेक्टर स्केल से मेजर की जाती है, और मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है मर्सली स्केल से। तो ये चार्लीज रेक्टर ने कैलिफोर्निया 1935 में ये इन्वेंट किया था ये स्केल। तो ये बेसिकली लॉगरिथम टू बेस ऑफ 10 मैक्सिमम सेस्मिक वेव एम्पलीट्यूड, जो बेसिकली सेस्मोग्राफ होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसका लॉग टू बेस 10 जो होता है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है कहाँ पे। जब एक सेस्मोग्राफ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर, वहाँ पे क्या रीडिंग होगी सेस्मोग्राफ की, उसका लॉग टू बेन बेस 10 करके वो निकाला जाता है स्ट्रेंथ। तो जो सेस्मोग्राफ है बेसिकली स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। तो सेस्मोलॉजी जो है सब्जेक्ट जो साइंटिफिक स्टडीज ऑफ अर्थक्वेक है एंड प्रोपेगेशन ऑफ इलास्टिक वेव्स थ्रू अर्थ। बेसिकली सेस्मोलॉजी खाली अर्थक्वेक स्टडी करने के लिए नहीं है, बट कैसी एक वेव्स प्रोपेगेट होती है इलास्टिक वेव्स थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ उसको भी स्टडी। बेसिकली ये दो तो पार्ट ही है अर्थक्वेक जो सेस्मोलॉजी स्टडीज में होता है। तो जो ये अब जो जो सेस्मोग्राफ है इस पे अब जब हम स्केल में देखते हैं किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और किस ग्रुप में डाला जाता है, अगर 8 पॉइंट से ज़्यादा इसमें मैग्नीट्यूड हो तो उसको जो है कैटेगरी ग्रेट में डाला जाता है, मीन्स जो है बड़ा डिजास्टर होता है। तो ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते इस काइंड के डिजास्टर्स, इस काइंड अर्थक्वेक्स बेसिकली। तो जब जो सबसे लोएस्ट होता है 3 या 3 से कम जिसका मैग्नीट्यूड हो, बेसिकली वो महसूस भी नहीं होता है, हल्के से झटके होते हैं। बेसिकली दिन में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, हम उसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। तो आगे चलते हैं, फिर जब हम सेस्मोलॉजी सेस्मोग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमें फिर जोनिंग जो है बेस्ड ऑन जो जोन्स हम बनाते हैं, जोन 1, 2, 3, 1 तो है नहीं, 1 तो पूरा सेफ है, जोन 2, 3, 4 एंड 5। तो ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ड्यू टू अर्थक्वेक, ये जो हिस्टोरिकल डेटा लिया है और डिफरेंट फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो लाइन है फॉल्ट है कहाँ पे पड़ता है उसको सब मिला के ये ऑब्जर्वेशन ली गई है, कैटेगराइज किया गया है इंडिया का जो पूरा मैप है कौन कौन सी जगह किस अर्थक्वेक जोन में आता है। तो जोन सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो जोन सेकंड लीस्ट सेस्मिक एक जोन होता है, इसमें उतना एक्टिव सेस्मोलॉजी मतलब उतना एक्टिव नहीं होता है अर्थक्वेक, यहाँ पे वो रेयरली कभी कभी होता है। और जो जोन है इसमें मॉडरेट होता है, जोन 4 में हाई होता है, एंड हाईएस्ट जो होता है जोन 5 में, जिसमें हमारी कश्मीर वैली भी है जोन 5 में। तो क्या हो गया, ओके। तो अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें, एक इमेजिनरी लाइन बना के इसको जो प्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है और ये स्ट्राइक करता है विद द यूरोएशियन प्लेट। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिकली हिमालयाज जनरेट होते हैं, ये बेसिकली आप ओशंस जो उसका कंसेप्ट यहाँ नहीं है, ये पूरा अंडर द जो है क्रस्ट जो पैटर्न है प्लेट्स का जो फ्लो, ये बेसिकली डिवाइड हुए हैं जब से अर्थ बना है, तो ये आपस में स्ट्राइक करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में समझाया कैसे स्ट्राइक करते हैं। तो ये जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे इंडियन ओशन में आ सकता है अर्थक्वेक, यहाँ पे भी इंडियन ओशन में आ सकता है, और ये हिमालय का रीजन है। और ये जो प्लेट है यहाँ पे इसके साथ स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे जो हिमालय जनरेट हुए हैं, तो ये अरबियन जो है प्लेट है। तो यहाँ जो हिंदू कुश वगैरह यहाँ रीजन है यहाँ पे भी अर्थक्वेक बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। प्लस जो ये पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आती है, प्लस यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये आपस में जब स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे जो ये इसको हम फॉल्ट लाइन कह सकते हैं, इस फॉल्ट लाइन पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं।
तो अगर हम बात करें कि इंडिया की, तो जोन फर्स्ट जो है ये बहुत सेफ होता है। अगर यहाँ इसकी बात करें, इट्स वेरी सेफ, यहाँ पे उतना फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं। देन जोन सेकंड, जो ये ऑरेंज कलर के है, ये बाहर वाला हिस्सा हैदराबाद का, जैसे मानो आप यहाँ पे ये पंजाब और यहाँ से यूपी वाला हिस्सा, यहाँ जोन सेकंड में आता है। जोन थर्ड में आपका ये कलरिंग, जैसे इसका जो फेड हुआ है ये वाला। एंड जोन जो फाइव है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है अर्थक्वेक की एक्टिविटी हो रही है। तो मुझे फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है, कहीं सारे स्टूडेंट चले गए और मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कभी कभी होता है वैसा। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की बात करें, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। ये भी जोन फाइव में आता है। और ये वाला, ये जो मेजर पोर्शन है, यहाँ पे अर्थक्वेक अच्छे खासे आते हैं, बिकॉज़ इट्स ऑन द मोस्ट ऑलमोस्ट ऑन द फॉल्ट लाइन, जो यूरो एशियन एंड इंडियन प्लेट आपस में टकराते हैं। तो अर्थक्वेक जो प्रिडिक्शन है, ये अर्थक्वेक प्रिडिक्शन इज यूजुअली डिफाइंड एज स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो हम ये बताते हैं किस जगह आया, कितने बजे आया और क्या मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का। तो ऐसे अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन तो वैसे होती नहीं, बट व्हेन हम डिफाइन करते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं अर्थक्वेक को, तो हम टाइम, लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड से उसको बता सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स बिफोर द अर्थक्वेक ऑकर्स। तो एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है एनिमल्स का, जैसे चिड़ियाँ ज़्यादा शोर करती है, तो हो सकता है इसका मतलब है अर्थक्वेक आ रहा है, बिकॉज दे कैन सेंस। जैसे एलिफेंट है, तो उसकी जो फीट है, दे कैन सेंस द कि अगर दूर 100 किलोमीटर दूर भी कहीं से तूफान, वहाँ पे तूफान हो रहा है या बारिश हो रही है, तो वहाँ पे भी वो सेंस कर सकता है कि ना दूर हो के भी उसके जो फुट्स में सेंसर्स लगे हैं। तो वैसे एनिमल्स के पास भी स्पेशल सेंसर्स होते हैं, तो वो भी सेंस कर सकते हैं बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। और वेल्स वाटर जो है वो शेक होता है, तो जैसे कहा मैंने पहले, उससे पहले कुछ वेव्स चलती हैं, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, गाइडेड वेव्स, तो उसकी वजह से जो लिक्विड्स है वो थोड़ा सा उसमें रिपलिंग जैसी होती है, शेक्स होते हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट इतना अब कौन आदमी कहाँ पे कि अर्थक्वेक आने से पहले होगा, इट डिपेंड्स उसमें कितनी नॉलेज होगी, अब वो कितना जल्दी वो एनालाइज करेगा कि ये सब जो है इंडिकेशंस है, हो सकता है अर्थक्वेक आए। तो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन ऑफ ऑयल फ्लोज इन द रिवर वेल्स, ऑयल वेल्स में फ्लक्चुएशन होती है, मीन्स वो कभी कम आता है तेल, कभी ज़्यादा आता है तेल, उसमें वहाँ से प्रोडक्ट कर सकते हैं। फोर शॉक्स और माइनर शॉक्स आफ्टर बिफोर मेजर, वही मतलब झटका आने से पहले एक हल्का सा पहले झटका आता है, फिर हो सकता है 10-15 मिनट का गैप हो, या 2-3 मिनट का गैप हो, या 1 दिन का गैप हो, तो फिर से शॉक आ सकता है, बड़ा शॉक, मीन्स थोड़ा सा जैसे टकराने से पहले वो पहले हल्का सा टकराते हैं, फिर ज़ोर से टकराते हैं, या जो वॉल्केनिक पहाड़ हो वो पहले फटने से पहले उसमें छोटा सा धमाका हो, तो उससे एक लोअर शॉक, माइनर शॉक जनरेट होता है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, कहीं कहीं मतलब अचानक से ज़मीन खुद से, मतलब उसकी जो एलिवेशन है वो अपलिफ्ट हो सकती है, उससे कर सकते हैं। सेस्मिक वेव वेलोसिटी, जैसे मैंने कहा गाइडेड वेव्स, उसकी वेलोसिटी, लो फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी, उससे मेजर कर सकते हैं। बट दिस ऑल आर जो है, इसके लिए पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए ये सब देखने के लिए, तो ऐसा कोई लेमैन नहीं कर सकता है, कि वो ऐसा नहीं बता सकता है कि ये इंडिकेशन है तो इससे भी अर्थक्वेक आ सकता है, या जैसे वेल्स की जो लेवल है वो चेंज होगी, तो ये डिफरेंट रीजंस से भी हो सकती है। तो
इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक तो पता ही है आपको, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होता है इसमें। इसमें जितना भी हमारा डेवलपमेंट होता है, जितनी बिल्डिंग्स होते हैं या रोड्स, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, मरीन, जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सब डिस्ट्रॉय होते हैं ऑलमोस्ट। तो फिर इसके बाद चांसेस ऑफ फ्लड्स भी होते हैं, क्योंकि जो डैम्स बने होते हैं इनकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है, एंड इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। और जब अर्थक्वेक आएगा तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी शेक होगा ऑब्वियसली, तो वो उसकी वजह से फोर्स टेंशन जनरेट होगा, जो वॉल ऑफ जो है डैम है वो टूट सकता है अगर वो कमज़ोर हो। अगर वो टूट जाएगा तो लोअर एरियाज़ में फिर फ्लड आने के चांसेस है। तो ये पिक्चर जो है आई थिंक दे आर फ्रॉम नेपाल, जो पिछली बार नेपाल काठमांडू में आया था भूकंप। तो कितना यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, दिस इज़ ऑल डेब्रिस, दे कैन नॉट, दे हैव टू बिल्ड, मतलब टोटली नया बनाना है, इसमें कुछ नहीं होगा। और जैसे कोई ऐसा यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट था, लोकेशन थी, ये टूट गई। तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कम्युनिकेशन, टेलीफोन लाइंस डैमेज हो सकती है, वाटर पाइपलाइन, सीवर और डिस्ट्रप्ट जो हमारी पाइपलाइंस है, जैसे रोड, रेलवे, सब जो है मतलब ख़त्म हो गए। तो इसमें भी ये जो ज़मीन के नीचे ही चलती है तो इसमें भी डिस्ट्रप्शन आ सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सीवियरली इफेक्ट होता है। तो पहले ये कैसा था अर्थक्वेक से पहले, एंड देन व्हाट इज़ द सिचुएशन, तो सब मिलियामेट हो गया। तो लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन हो, तो वहाँ पे अगर अर्थक्वेक भी आएगा तो देर आर मोर चांसेस ऑफ द लैंडस्लाइड। या जो है रोड्स जो है रप्चर हो सकते हैं, ग्राउंड बीच में ही धस गया पूरा, ये वाला अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं ना, पूरा ही वो उखड़ जाता है। एक्सेसिव शेकिंग्स जो होती है, जैसे ये ब्रिज है इसमें शेकिंग हो गई, तो शेकिंग की वजह से ही गिर गया। सॉलिड लिक्विफैक्शन, नीचे से जो ज़मीन के नीचे जो सॉयल लिक्विफैक्शन, बेसिकली ज़मीन के नीचे जो सॉयल है वो धस गई, और मतलब उसमें लिक्विफाई हो गई, वो ऐसे सेमी सॉलिड जैसी हो गई बिल्डिंग। जैसे कोई शेक होता है, जो पेस्ट अगर शेक करेंगे तो थोड़ा सा वो पूरा फ्लैट हो जाता है। ऐसे अगर कहीं ऐसी लोकेशन में हमने बिल्डिंग्स बनाई लो लाइंग एरियाज़ में, जिसमें जैसे वाटर लेवल की वाटर की लेवल बहुत शैलो है, तो वहाँ पे सॉयल लिक्विफैक्शन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पे डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है। और फायर भी हो सकता है अर्थक्वेक से, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो फायर हो सकते हैं, फ्लड्स जैसे मैंने कहा डैम्स वगैरह टूट जाएंगे। तो अर्थक्वेक में जो सेफ्टी रूल्स है, इसमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स हम अपना सकते हैं, इफ़ हम अगर घर में हैं तो हमको लिफ्ट यूज़ नहीं करना चाहिए बिल्डिंग से नीचे, क्योंकि अगर लिफ्ट मतलब अर्थक्वेक आ गया हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो लिफ्ट रुक जाए और लिफ्ट बीच में ही बंद हो जाए, आप सफोकेशन हो जाएगी, आप खुदा ना खास्ता मर भी सकते हैं। तो जब भी हम घर में है, अर्थक्वेक आएगा तो हमें पहले पूरा प्रिपेयर होना है बिफोर वी मूव विद द फैमिली, और हमें कोई सेफ लोकेशन पे जाना है, पहले आइडेंटिफाई करनी है सेफ लोकेशन फिर जाना है। और अगर हम अपने बिजनेस जैसे शॉप हो में हो, स्कूल कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो हमें क्या करना चाहिए, रन फॉर एन एग्जिट और टेक कवर अंडर ए डिस्क और डेस्क और टेबल। जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में डेस्क होते हैं, हमको वहीं पे नीचे चलना चाहिए, या अगर वहाँ पे कोई ऐसी एग्जिट है, मतलब ग्राउंड आपको नीचे है, जैसे कॉलेज में वो क्लासरूम ब्लॉक है, तो अगर आप वहाँ ग्राउंड फ्लोर में हैं तो आप आराम से बाहर आ सकते हैं ग्राउंड में। बट अगर सेकंड फ्लोर में है कोई स्टूडेंट क्लास दे रहे हैं, तो वो बेंचेस के नीचे छुप सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं वो। मूव अवे फ्रॉम द विंडोज़, और जो ग्लास विंडोज़ है वहाँ से दूर, क्योंकि हो सकता है जो है शीशा टूट सकता है वहाँ, आप कुछ मतलब चोट पहुँच सकती है। तो जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स केबल है वहाँ से दूर रहिए, और जो वीक पोर्शन है जैसे बिल्डिंग्स के फॉल सीलिंग वगैरह होते हैं, आजकल ज़्यादा लगाते हैं फॉल सीलिंग, तो अर्थक्वेक से गिर सकते हैं, तो उससे भी चोट आ सकती है। तो ये जैसे
कुछ साइन में है कैसे आपको टेबल के नीचे जाना है, अपने आप को कवर करना है, फिर कैसे होल्ड करना है सर को, क्योंकि सर जो होता है, हेड जो होता है मोस्ट वल्नरेबल होगा, इसमें डैमेज हो जाएगी तो खुदा ना खास्ता इंसान आराम से मर सकता है। तो अगर और भी किसी पार्ट में डैमेज हो जाएगी तो वो तो ज़िंदा रह सकता है, काम काज कर सकता है, बट द हेड इज़ मोर वल्नरेबल, तो हेड को कवर करके रखना चाहिए। तो अगर आप बाहर है तो क्या करना चाहिए, बिल्डिंग हाई बिल्डिंग के आसपास अवॉइड करना चाहिए, वॉल्स के अवॉइड करना चाहिए, पावर लाइंस जो वहाँ से चल रही है वहाँ से नहीं चलना चाहिए। तो मतलब अगर अर्थक्वेक आएगा तो पूरा आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब अर्थक्वेक तो भागना नहीं है स्ट्रीट्स पे, तो अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगा जब स्ट्रीट पे हो तो कैसे आपको अपने आप को बचाना है। इफ पॉसिबल मूव ऑन द ओपन एरिया, जैसे ओपन एरिया पे आपको जाना है जहाँ पे ट्रीज हो, अवे फ्रॉम द मतलब ट्रीज भी ना हो बेसिकली, अगर ट्रीज भी गिर जाएंगे तो उससे भी नुकसान। और अगर अपने व्हीकल में हो, कार में हो या बस में हो, स्टॉप इन ए सेफ ओपन प्लेस एंड रिमेन इन व्हीकल, और ग्लास जो विंडोज है उसको, दरवाजों वगैरह को बंद करना है। तो ये था ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और आफ्टर अर्थक्वेक क्या हमें करना है, तो कीप काम, पहले आपको अपने आप को मतलब पूरा कूल रहना है, तो फिर रेडियो वगैरह को ओपन करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन अगर वहाँ पे दी गई है, आजकल तो सोशल मीडिया है तो वहाँ पे अगर आपको पता नहीं है क्या क्या करना है तो आप कर सकते हैं। तो बीच से दूर रहना है, लोअर बैंक रिवर से दूर रहना है, वहाँ से हो सकता है वेव्स कुछ आए, सुनामी आ सकती है, तो कुछ पता आता नहीं है उसका, हो सकता है वो आए, जब तक वार्निंग सिस्टम से वार्निंग आ जाए तब तक आप ये सब से मतलब दूर रहना है, बीच वगैरह, लो बैंक्स। डू नॉट री एंटर द बैडली डैमेज बिल्डिंग, जो भी बैडली डैमेज बिल्डिंग है मतलब जहाँ पे ऑलरेडी अर्थक्वेक ने नुकसान पहुँचाया, जैसे जाते हैं ना लोग, यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई तो हम देखने जाएंगे, तो हो सकता है वो मतलब गिर जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो जिसका डैमेज हुआ था, लोग जाते थे तो अचानक एक दीवार गिर गई तो वहाँ उसके नीचे दो तीन लोग आ गए, तो पहले तो अर्थक्वेक से बच गए बट वैसे उनको मरना था तो, बट वो पहुँच गए तो मर गए। तो वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑफ करना है अगर वो ऑन है तो, बिकॉज यू नो कभी भी कहीं से स्पार्क अगर होगी, गैस ऑन है तो लीकेज अगर है गैस में तो आग लग सकती है। स्मोक नहीं करना है उस टाइम, लाइटर्स वगैरह सिगरेट वगैरह नहीं चलाना है। डू नॉट स्विच, टर्न ऑन स्विच जो है, अपने स्विच जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इफ देयर इज एनी फायर ट्राई टू पुट आउट, कॉल फायर ब्रिगेड को बुलाना है अगर आग वगैरह हो गई। ये तो आफ्टर अर्थक्वेक क्या मतलब करना है आपको, और भी है बहुत सारे बट आई गेस कि आप, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अब हिस्ट्री जो अर्थक्वेक की है, मेजर अर्थक्वेक की बात करें हम, हमने 8 से ऊपर जो अर्थक्वेक कहा वो ह्यूज है, वो मेजर जो है अराउंड 7 to 8 जो है। तो 2005 की अगर बात करें, ये आया था मुजफ्फराबाद जिसमें कश्मीर वैली की बहुत इम्पैक्ट हुई थी, तो इसमें तकरीबन 1 लाख लोग की डेथ हो गई थी पाकिस्तान में, एंड इन नियरली 2000 इन इंडिया, इंडिया में भी इसका जो मैग्नीट्यूड था 7.4। तो ऐसे भी फिर जैसे गुजरात में भी आया था भुज में 2001 में 7.4, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऐसे काठमांडू में 2015 की बात कर रहा था, जो मैंने पिक्चर दिखाई तो वो काठमांडू की थी, तो वहाँ पे 7.9, तो यू नो 7.9 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये है एक सेस्मोलॉजी हिस्ट्री एक्टिविटी इंडिया की 1980 AD से लेके 2004 तक, ये जो है इंटेंसिटी किस किस टाइप की आई है। देखो ये जो हमने जोन 5 की बात करी ना, तो वहीं पे जो जो ब्लू डॉट्स है वहाँ पे ज़्यादा सीवियर आए हैं अर्थक्वेक्स। यहाँ स्टार की बात करें हम, जो 6.5 to 9.3 जो पूरा इसमें आया है, तो इंडियन सब इंडियन प्लेट्यू जो है साउदर्न इंडिया, इट्स मच सेफर फॉर द अर्थक्वेक जो है, वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता है। तो ये जो फॉल्ट लाइन है बेसिकली हिमालयन रीजन, इसमें ज़्यादा आता है।
तो ये जो यहाँ पे भी फॉल्ट लाइन है, क्योंकि ये इस साइड जो है पैसिफिक प्लेट्यू उसके साथ टकराता है। तो ये है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना ज़्यादा अर्थ को ये कहाँ पे आया है। अब इसका जो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड जो इसके जो साइकिल डिफरेंट फेजेस है क्या क्या है, वो हमने पढ़ाई पहले, प्रिवेंशन जैसे मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, फिर रिलीफ एंड रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन। तो मिटिगेशन जैसे मैंने पिछली पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया, व्हाट आर द मिटिगेशन मीडियस, वही हम जोनिंग वगैरह कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर सेफ बिल्डिंग कर सकते हैं, जैसे जोन 5 में है किस टाइप की बिल्डिंग्स होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए फॉर सेफ एनवायरनमेंट, फॉर मतलब कि अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या क्या, किस टाइप के लॉज होने चाहिए, किस टाइप की मतलब हम पॉलिसीज होनी चाहिए। और जो प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस, मतलब ये प्रिवेंशन ही 2 फेज़ है, प्रिपेयरनेस में वही स्ट्रक्चरल मेजर्स हम क्या करें, जैसे फायर जैसे एग्जिट्स बनाएं हम, डिफरेंट कम्युनिकेशन जो है ड्यूरिंग द डिज़ास्टर उसको एनहेंस करे, अवेयरनेस करे लोगों को, हम बताएं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो हम कैसे अपने आप को बचाने की मतलब ज़्यादा कोशिश करेंगे, और जब डिज़ास्टर आता है एंड देन हम इमिडिएटली क्या रिलीफ एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन चलाएंगे, इसमें गवर्नमेंटल एजेंसीज, कम्युनिटी बेस्ड जो हमने टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच मैंने कहा था, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू में उसमें जैसे टॉप डाउन मीन्स गवर्नमेंट पूरी वो करता है, संभालता है, और बॉटम अप में कम्युनिटी अप्रोच होता है, कम्युनिटी मिटिगेशन अप्रोच रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो करते हैं कम्युनिटी। तो इसमें इमीडिएटली जो है डिज़ास्टर रेस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें, फायर ब्रिगेड हो सकती है, एम्बुलेंस हो सकता है, और भी डिफरेंट एनजीओज जो वर्किंग इन दैट एरिया, एंड देन और लॉन्ग टर्म उनको डिफरेंट सेफ लोकेशंस पे पहुंचाना, एंड देन उनके लिए फिर से घर को बनाना, या तो अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक हालत में है वो खुद बना सकता है, बट मोस्टली जो डिफरेंट एजेंसीज है गवर्नमेंट की, जो एजेंसी रिलीफ वगैरह देते हैं, मीन्स क्या हो सकता है बैंक्स जो है सस्ते मतलब लो इंटरेस्ट रेट्स पे हाउसिंग लोन दे सकते हैं फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, एंड देन देर आर मेनी दिस काइंड ऑफ द पॉलिसीज। तो ये तो मैंने पिछली स्लाइड में आई गेस डिस्कस किया था कि डोंट्स एंड डूज कैसे, मतलब हमें जब अर्थक्वेक आएगा तो उस टाइम क्या करना है, अर्थक्वेक के बाद क्या करना है, बट अर्थक्वेक से पहले क्या करना है हमें, और जैसे हमारे पास कोई क्रैक्स वगैरह है फाउंडेशन पे, सीलिंग पे, उसको ठीक करना है स्ट्रक्चरली, हमें अपने जो है उसको ठीक करना है घर को। तो हमारे जो लाइट्स वगैरह है सीलिंग पे उनको फिक्स करना है, अगर वो मतलब ज़्यादा मजबूती से बंद नहीं हो उसको बंद करना, हो सकता है अर्थक्वेक के टाइम वो नीचे आ गए, फैंस वगैरह है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कोड्स के हिसाब से हमें बिल्डिंग्स के स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, शेल्स वगैरह को सिक्योर, वॉल्स इनको पूरा सिक्योर करना है, जैसे बहुत सारे जो अलमीरा होते हैं फिक्स नहीं होते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं गिरने के, उनमें बुक्स वगैरह हो सकती है या हैंगिंग पिक्चर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बैठने की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि पीछे से कोई ऐसा पीछे से ऐसा कोई ये मतलब ऐसा कोई हैंगिंग आइटम नहीं है, जैसे पेंटिंग वगैरह नहीं है जो अर्थक्वेक के टाइम गिर के सर पे गिर सकती है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थे डूज एंड डोंट्स अबाउट द बिफोर द अर्थक्वेक, जैसे सिक्योर द हीटर्स, एलपीजी सिलेंडर्स, यूजुअली एलपीजी सिलेंडर्स आजकल बाहर रखे जाते हैं ना, ताकि अगर आग भी लगे तो उसको आसानी से के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये और भी है डूज एंड डोंट्स, आप पढ़ लीजिएगा।
तो एमरजेंसी किट में जैसे मैंने कहा था जापान में वो ततामी रखते हैं, तो उसमें इमरजेंसी आइटम्स होते हैं, बैटरीज, टॉर्च और रेडियो वगैरह, फर्स्ट एड किट्स, मैनुअल्स, इमरजेंसी फूड्स होते हैं जैसे ड्राई आइटम्स, पैक्ड फूड्स, वाटर पैकेट्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, वाटर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं, नाइव्स होते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स, वाटर प्योरीफायर, एसेंशियल मेडिसिन, कैश, क्रेडिट कार्ड्स, मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको पता नहीं आप किस लोकेशन पे कहाँ हो, तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ें आपको काम में आ सकती है। जैसे अगर खुदा ना खास्ता आप मलबे के नीचे फंस गए हैं, तो देन यू कैन यूज़ दिस इमरजेंसी फूड, फर्स्ट एड किट भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़ख्म वगैरह हो जाए तो। अगर कहीं ऐसे लोकेशन में जहाँ पे सेफ वाटर नहीं हो, तो आप क्लोरीन टेबलेट्स वगैरह से उसको डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट इमरजेंसी प्लान एंड कम्युनिकेशन जो है, तो उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ फैमिली मेंबर अगर कोई सेपरेट हुआ है अर्थक्वेक के दौरान, तो ऐसे उनको डेवलप एक प्लान करना चाहिए उनको रियूनाइट करने का। मतलब अगर कोई जैसे स्कूल में है बच्चे और घर में पेरेंट्स है, तो उस सिचुएशन में कैसे उनको रियूनाइट किया जाए, तो ऐसे इमरजेंसी प्लान्स कम्युनिटी लेवल पे डेवलप करना है। तो फिर अपने फैमिली को कांटेक्ट करना है अगर कोई बाहर है, और रिलेटिव के द्वारा या फ्रेंड के द्वारा उनको कांटेक्ट करना है। तो ऐसे मतलब हर किसी का जो कांटेक्ट, अगर कोई बाहर रहता हो उसका कांटेक्ट, फ़ोन नंबर सब कुछ होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी कांटेक्ट भी होना चाहिए। अगर कोई अब जैसे बाहर पढ़ रहे हैं, देन योर पेरेंट्स शुड ऑल्सो हैव द फ़ोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एडमिनिस्ट्रेशन का होता ही है, कभी कभी आपका फ़ोन नहीं लगेगा, कोई ऐसा डिज़ास्टर आया है, तो देन योर फ्रेंड कैन कम्युनिकेट एंड योर फैमिली ऑल्सो कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एमरजेंसी कंडीशंस में। तो फिर कम्युनिटी प्रिपेयरनेस कैसे करें हम, जैसे पब्लिश स्पेशल सेक्शन न्यूज़पेपर्स, बेसिकली कम्युनिटी को अवेयर करना अबाउट द डिज़ास्टर, अर्थक्वेक डिज़ास्टर। लोकलाइज द इंफॉर्मेशन बाई प्रिंटिंग फ़ोन नंबर्स, जो एमरजेंसी सर्विस, जैसे पहले आता था एक बुक आती थी जिसमें डायरेक्टरी, जिसको फ़ोन डायरेक्टरी बोलते थे, उसमें सारे नंबर्स हुआ करते थे लैंडलाइन के, बेसिकली नाम, एड्रेस एंड नंबर ऐसे। फिर इमरजेंसी जो से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हॉस्पिटल्स के, नियर बाई डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर्स, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, फायर ब्रिगेड्स, पुलिस स्टेशन वगैरह, इनके नंबर्स होने चाहिए जब भी मतलब कोई डिजास्टर आए, एंड यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट। आजकल तो फ़ोन में है, तो फ़ोन के अलावा आपको नोट डाउन भी करना चाहिए, बिकॉज पता नहीं कि फ़ोन कब डेड हो जाए, हो सकता है बैटरी डाउन है। तो फिर एक सीरीज़ लोकेशन वाइज आपको हैज़ार्ड के रिलेटेड कुछ ऐसे ड्रिल्स वगैरह करनी, तो उससे भी जो है कम्युनिटी प्रिपेयर रहती है। इमरजेंसी रिपोर्ट्स, इमरजेंसी सर्विस है वो रिपोर्ट्स डेवलप करे, वहाँ पे कौन सी लोकेशन है, किस टाइप की, मतलब मोर वल्नरेबल है, ज़्यादा वल्नरेबल है। फिर इंटरव्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गैस, जो गैस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई कंपनीज है, उनके साथ इंटरव्यूज़ करना, तो कैसे अर्थक्वेक के टाइम आप अपनी सप्लाईज को बंद कर सकते हैं फॉर लेस काइंड ऑफ डैमेज। तो इससे फिर कम्युनिटी में जैसे बिल्डिंग कोड्स और हैज़ार्ड हंट्स, नेबरहुड फैमिली, एमरजेंसी प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सब देना। ये सब तो मैंने मेंशन किया है। तो ये है, अगर आप बाहर है तो आपको ऐसे बैठ के सर को पकड़ के बैठना है, और अगर आप अंदर है, स्कूल में है या घर में है, घर में अगर है तो आप सीढ़ी के नीचे जा सकते हैं, दैट इज़ मोर सेफ। या ऐसा कोई लोकेशन है कि जहाँ पे आपको लगे कि जो है आप ज़्यादा सेफ है, जैसे पूरा एटलीस्ट ऊपर से कवर्ड हो, तो कोई चीज़ें हैं जैसे ये बुक शेल्फ है, सीलिंग फैन है, इनको जैसे अवॉइड करना चाहिए, कभी भी गिर सकता है अर्थक्वेक आया तो। और जो ग्लास विंडोज़ है इनको भी जैसे शेक हो जाएगा तो ये टूट जाएगी आराम से, ये वाली।
तो ये हमने डिस्कस किया। अब गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी पिलर्स है, ये जो 6 पिलर्स है इनमें ये गवर्न करती है व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। पहले ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, जो जितने भी हम नए स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होने चाहिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। जैसे पिछली क्लास में मैंने आई थिंक डिस्कस किया व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दे आर मोर, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में मैंने पढ़ाया आपको कि बिल्डिंग्स किस किस टाइप की हो सकती है, उसमें किस टाइप की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, दैट विल बी मोर रेजिस्टेंट टू द अर्थक्वेक। देन सिलेक्टिव सेस्मिक स्ट्रेंथ एंड रेट्रो फिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी स्ट्रक्चर एंड लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स, जो हमारे लाइफ लाइन स्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल है, फायर ब्रिगेड है, इनको अच्छे से मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे इनको मतलब रेट्रोफिट मींस जो अगर एग्जिस्टिंग है कोई, इनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना, मतलब ऑलरेडी हमारे जो स्ट्रक्चर्स है बने हैं उनको स्ट्रेंथ करना। फिर रेगुलेशन एनफोर्समेंट, रेगुलेशन एनफोर्समेंट कैसे कर सकते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करके, अगर कहीं पे लॉ बना है रिगार्डिंग टू कि आपको कोड फॉलो करने हैं, बिल्डिंग कोड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, देन उसके एनफोर्समेंट भी होना चाहिए, वो एम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ये थर्ड इसका है पिलर पॉलिसी का। एंड फोर्थ इज़ द अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस, जो बेसिकली कम्युनिटी है, आप मोहल्ले में भी जा सकते हैं, गांव में भी जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कॉलेज में भी जा सकते हैं और वहां पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट दिस काइंड ऑफ डिज़ास्टर, मीन्स व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, कैसे अर्थक्वेक के टाइम क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट, जैसे कैपेसिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, देन कैपेसिटी डेवलपमेंट बहुत टाइप की हो सकती है, ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, मीन्स बेसिकली कहाँ पे किस टाइप का रिसर्च होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप का डिज़ास्टर कहाँ पे आता है, वो उससे कैपेसिटी डेवलप होती है, हमको क्या स्ट्रेटजी फ्यूचर में कर सकते हैं, तो इसी से पॉलिसी डेवलप होती है। एक बेसिकली जो कैपेसिटी जो हम रिसर्च कर सकते हैं उससे हम पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ द डैमेज दैट कुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर एट पर्टिकुलर लोकेशन। फिर इमरजेंसी रेस्पॉन्स, उस टाइम हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे अर्थक्वेक आया तो इसके बाद क्या करना है, देन दैट वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी।